हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू आकलन यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे टेस्ट सीरीज़ जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्ट है आज का फिज़िक्स। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो दिस रिलीजियसली। ओके, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें। आप गूगल प्ले से आकलन ऐप डाउनलोड करें जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियोज़ आती है उनकी PDF मिल जाएंगी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन अ टेस्ट सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन 12 मिनट्स अ कार हुज स्पीड इज़ 35 किलोमीटर पर आर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ। तो आपको यहाँ पे एक टाइम दिया हुआ है, कार इतने टाइम ड्यूरेशन में एक डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे स्पीड दी हुई है और टाइम दिया हुआ है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, ठीक है, जिसको हम एस से भी डिनोट करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल को, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको स्पीड दी हुई है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको मैंने पहले बताया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है 12 मिनट्स, ठीक है, और जो हमारा स्पीड है वो किसमें दी हुई है, उसकी यूनिट है किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो किलोमीटर पर आर और यहाँ पे हमें टाइम मिनट्स में दिया है, तो हमें जो टाइम है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मिनट्स में दिया है, हम उसे आर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 12 हमारा मिनट्स है, ठीक है, तो उसको हमें अगर आर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, और 60 से डिवाइड करके हमारा आंसर आएगा 0.2 आर, ठीक है। ये हमारा टाइम आ गया, और हम जैसे हमारा क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टाइम को इधर लेके आएंगे, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज़ स्पीड इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और हमारी स्पीड कितनी है, 35, और हमने टाइम अभी कैलकुलेट किया था, जिसको हमने आर में कन्वर्ट करा वो हो जाएगा 0.2 आर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ऐसे आपको इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज़ करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सिंपल इलेक्ट्रिक करंट। तो जो बेसिक कंपोनेंट है सिंपल इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, ऑप्शंस आर एनर्जी सोर्स, कनेक्टिंग वायर्स, स्विच, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो जो बेसिक कंपोनेंट है सिंपल इलेक्ट्रिक करंट के वो है एनर्जी सोर्स, कनेक्टिंग वायर्स एंड स्विच, ये तीनों ही इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मडी वाटर इज ट्रीटेड विद एलम इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, इट इज़ टर्म्ड एस। तो जो मडी वाटर होता है वो ट्रीट किया जाता है एलम के साथ, किस में, कौन सी प्रोसेस में यूज़ किया जाता है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में, और इसको हम क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को। ऑप्शंस आर कोएगुलेशन, एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, या फिर इमल्सिफिकेशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डैट इज कोएगुलेशन। ओके, हिस्टोरिकली डर्टी वाटर इज क्लीन बाय ट्रीटिंग विद एलम। एलम को हम कैसे लिखते हैं केमिकली, Al2SO4 होल ट्राइस .12H2O, और लाइम के साथ, डैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके हम डर्टी वाटर को क्लीन करते हैं इन केमिकल्स के थ्रू, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोएगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू वी कॉल द मटेरियल व्हिच गेट्स स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं जो स्ट्रॉन्गली मैग्नेटाइज हो जाती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ऑप्शंस आर पायरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, या फिर डाय मैग्नेटिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डैट इज फेरो मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द यूनिट क्यूरी, डैट इज CI, इज करेक्ट। तो आपको जो हमें यहाँ पे एक यूनिट दी हुई है क्यूरी, डैट इज CI, उसके बेसिस पे आपको एक स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शंस आर 1, CI इज इक्वल टू 3.7 × 10⁻⁷, 1
CI is equals to 2.7 into 10 raised to the power 9, 1 CI is equals to 2.7 into 10 raised to the power 7, and 1 CI is equal to 3.7 into 10 raised to the power 10. The correct answer is option D, that is 1 CI, that is Curie, is equal to 3.7 into 10 raised to the power 10. ये आपको learn करना है, ठीक है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, तो आपको इसके यूनिट को लर्न करके रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ रॉकेट टू ओवरकम अर्थ्स ग्रेविटी एंड ट्रैवल टू स्पेस. ठीक है, तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए किसी भी रॉकेट को ताकि वो अर्थ की ग्रेविटी से ओवरकम कर पाए, ठीक है, और वो कहाँ ट्रैवल करे, स्पेस में. ऑप्शंस आर 18 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 21 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 35 किलोमीटर पर सेकेंड. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. तो आपको याद करना है, ठीक है, तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ सरफेस की वो कितनी होती है, दैट इज, यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक इन्हें शेयर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ वॉक क्लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ. ऑप्शंस आर लीनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेशनल मोशन, या फिर नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन. एट्थ क्वेश्चन इज, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे हमें अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि कौन सी इनमें से ऐसी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के. ऑप्शंस आर मेंटल, आउटर कोर, क्रस्ट, या फिर इनर कोर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डैट इज आउटर कोर. सो आउटर कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. नाइन्थ क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू परफॉर्म 440 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 11 वॉट. तो कितना हमें टाइम लगेगा, यहाँ पे आपको टाइम पूछा है, ठीक है. ऑप्शंस आर 50 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, या फिर 20 सेकेंड्स. यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है. पावर क्या होता है, दैट इज वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है. और पावर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और वर्क भी आपको दिया हुआ है, ठीक है. और आपको टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, इस टाइम को इधर लेके जाओगे और पावर को नीचे लेके आ जाओगे, है ना. तो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, आप वर्क की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. वर्क हमें कितना दिया हुआ है, 440 जूल्स, ठीक है, और हमें पावर कितने दिए हुए हैं, 11 वॉट. तो आप यहाँ से टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, वर्क अपॉन पावर इज इक्वल्स टू टाइम आ जाएगा. आप इन दोनों की वैल्यूज रखें और आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40 सेकेंड्स. ऑलराइट, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 40 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हर्ल्ड इन अ सर्कल, द वर्क डन ऑन इट बाय द स्ट्रिंग. तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है. ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, अनडिफाइंड. तो आपको यहाँ पे वर्क डन कैसा है ये बताना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, या फिर अनडिफाइंड है, जिसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, ठीक है. ये तो हमारे ऑप्शन थे, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जीरो. तो यहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है. इलेवेंथ क्वेश्चन इज, डैश अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज नेग्लिजिबल एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग. तो नेग्लिजिबल एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग किसका है, ये हमें डिफरेंट मटेरियल्स दिए हुए हैं. ऑप्शंस आर मर्करी, एनवर, जर्मेनियम, या फिर आयरन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एनवर. ओके, इसका नेग्लिजिबल एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग होता है. जब भी हम इसे हीट करेंगे, इस एलिमेंट को हीट करेंगे, तो एक्सपेंशन इसका ना के बराबर होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सर्फेस टेम्परेचर ऑफ सन इज नियरली. तो आपको सर्फेस टेम्परेचर बताना है सन के. ऑप्शंस आर 2778 केल्विन, 4700
178 केल्विन या फिर 5778 केल्विन या फिर 8778 केल्विन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 5778 केल्विन. ये हमारे सन का सरफेस टेम्परेचर है. 13th क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड प्लूटो. ऑप्शन आर जिम मैक्सवेल, टिम हैनमैन, माइले कर्टब्रो या फिर क्लाइड टॉम्बॉक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज क्लाइड टॉम्बॉक. इन्होंने किसको डिस्कवर किया था? प्लूटो को. नाउ आवर 14th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाटर इज नोन टू बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटी. तो कहीं इसमें ऐसा आपको वाटर बताना है डैट इज इस टाइप का आपको वाटर बताना है विच इज़ नोन टू बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती. ऑप्शंस आर मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, स्प्रिंग वाटर या फिर बॉइल्ड वाटर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर. मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने आकलन ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो आप आकलन ऐप को डाउनलोड करें. वहाँ पे आपको वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, जैसे रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके भी आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाएंगे. तो आप इसे डाउनलोड करके वहाँ पे चेक कर सकते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट एनर्जी. हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? ऑप्शंस आर जूल, न्यूटन, कैलोरी या फिर केल्विन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की वैल्यू बतानी है, सेंटीमीटर्स में बतानी है. ठीक है, तो आप ये यूनिट को ध्यान रखेंगे कि हमें सेंटीमीटर में पूछा है या फिर मीटर में पूछा है फॉर द नॉर्मल ह्यूमन बींग. ऑप्शन आर 2.5, 25, 58 या फिर 60. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डैट इज 25. और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में पूछा है ना हमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गेम प्लेयर्स मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ पास्कल्स लॉ. तो कौन से गेम के लिए प्लेयर के पास पास्कल्स लॉ की नॉलेज होनी चाहिए? ऑप्शंस आर क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग या फिर स्क्यूबा डाइविंग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डैट इज स्क्यूबा डाइविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क. तो आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है वो बताना है. ऑप्शंस आर न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज लॉ या फिर जूल्स लॉ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पास्कल्स लॉ. यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. ओके, our next question is an image formed by a plane mirror that cannot be obtained on screen is called. तो ऐसी इमेज जो कि प्लेन मिरर ने फॉर्म की है और हमें स्क्रीन पे नहीं दिखती है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज या फिर इरेक्ट इमेज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वर्चुअल इमेज. 20th क्वेश्चन इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ. अगर मैग्नेट कोई फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है. आकलन ऐप की का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और आप आकलन ऐप से टेस्ट सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं. ऑलराइट, सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट विद इट. ऑलराइट, 21th क्वेश्चन इज नेम द फिजिसिस्ट हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रन. तो किसको क्रेडिट जाता है न्यूट्रन की डिस्कवरी में, वो आपको ऐसे फिजिसिस्ट का नाम बताना है. ठीक है, और उन्होंने इस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज़ भी जीता था. कब जीता था? 1932 में. ऑप्शंस आर मैक्स प्लैंक, एनरिको फर्मी, जेएस फ्लेमिंग या फिर जेम्स चैडविक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डैट इज जेम्स चैडविक. सो ही इज द फिजिसिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट करंट
would flow between two points in a circuit, electric circuit with a potential difference of 120 volt and a resistance of 30 ohm. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, potential difference दिया हुआ है, that is 120 and resistance दी हुई है कितनी, 30 ohms की, ठीक है. तो आपको यहाँ पे क्या find out करना है, electric current. यहाँ पे हम इसे देखते हैं, जैसे आपको पता है होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डैट इज़ वी इज इक्वल्स टू आई आर, है ना. और हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट. तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हम लिख सकते हैं, ना. और वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमें कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, और आर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है. तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 = 12, तो ये आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर. यहाँ पे गलत है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4 एम्पियर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ग्राफ ऑफ वन क्वांटिटी वर्सेस अनदर रिजल्ट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, द क्वांटिटीज आर, ऑप्शंस आर बोथ कांस्टेंट, इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. The resistance of an electric bulb drawing 1.2 current is 6 volt. Current at 6 volt is, आपको यहाँ पे क्या करना है, resistance find out करना है, ठीक है. और हमें current दिया हुआ है और volt दिया हुआ है, that is 6. Options are 0.5 ohm, 5 ohm, 0.2 ohm या फिर 2 ohm. यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 ओम. यहाँ पे भी हमने वही वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, डैट इज़ वी इज इक्वल्स टू आई आर. तो आप वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. तो आपको बताना है कि फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन किन्हें कहा जाता है. ऑप्शंस आर लैंस्टीनो, विलियम हार्वे, लिपमैन या फिर जॉन सॉल्क. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B, that is William Harvey is the correct answer. He is known as the father of blood circulation. With this we will end our test series. अगर आपको हमारा content पसंद आया तो आप हमारी videos को like करें, channel को subscribe करें और bell icon को ज़रूर press करें ताकि आगे आने वाली important test series की notification आप तक पहुँचे. Okay? आप Google Play से Aaklan app download करें जहाँ पे आपको various competitive exams के test series provide किए जाते हैं. Thank you and have a good day.